You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas. So hey guys, welcome back to my channel. I hope all of you guys are doing extremely well. So एक नया दिन, एक और नई जर्नी. तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि पिछला वाला ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि हम लोग जाने वाले थे दत्त शिखर पे, कल ही जाने वाले थे, बट कल जो है वो लेट हो गया था, उसी की वजह से जो है वो हम लोग आज सुबह जा रहे हैं. तो अभी सुबह के बजे 7:15 हुए, 7:15. तो हम लोग निकल रहे हैं, सब बैग्स वगैरह पैक कर लिए और अभी हम लोग फिर से इस रूम पर नहीं आने वाले, अभी चेकआउट कर रहे हैं और सीधा यहाँ से निकलते. तो चलो फटाफट रूम लगाते हैं और निकलते हैं. I hear them all those places calling me to never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. So चलो गाइस, फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं, जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाते हैं, जो दत्त का पहाड़ जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला था, तो वहीं पर जाना है. कल हम लोग जिस मंदिर में गए थे उसी मंदिर से 3 किलोमीटर और आगे जाना है, मतलब यहाँ से जो है वो एक छोटा सा एक घाट है तो वो चढ़ के जाना पड़ता है. तो वो चढ़ के वहाँ पर जाते हैं सीधा टेम्पल के यहाँ पर और सीधा आप लोगों को वहीं पर मिलते हैं. तो गाइस हम तो निकल चुके थे, बट इन लोगों को चाय लेना था रास्ते में. अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी नहीं है, अगर होता तो मैं कर लेता. यहाँ पर सिर्फ चाय, तो ये लोग चाय लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे चाहेंगे. तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं दत्त टेम्पल के यहाँ पर. तो यहाँ पर कुछ शॉप्स है और बस अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं अंदर. यहाँ पर जो है वो हवा चल रही है, शायद से आप लोगों को थोड़ा नॉइज आ रहा होगा क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया है. माइक में थोड़ा सा इचो आ गए जो कि टिल्ट हो रहे हैं, तो कैमरे के सामने आ रहा है वो, तो इसके लिए मैंने माइक निकाल दिया है. तो चलो चलते हैं अभी मंदिर के अंदर, अगर शूट करना पॉसिबल है तो ज़रूर शूट करेंगे. सो ये है यहाँ का एंट्री, तो अभी यहाँ से एंटर करते और चलते अंदर. यहाँ पर अलाउड नहीं है अंदर फोटोग्राफी के लिए, इसके लिए मैं अभी मोबाइल को रख देता हूँ. तो गाइस, तो फाइनली अभी हम लोगों का अंदर अच्छे से दर्शन हो गया, कुछ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और अच्छे से दर्शन हो गया. तो अंदर जो मैंने जैसे कि अभी आप लोगों को लास्ट वाले शॉट में दिखाया था थोड़ा टाइम पहले, कि जो कि यहाँ पर अंदर शूट अलाउड नहीं था, इसके लिए मैंने शूट नहीं किया, बट जो बोर्ड लिखा था वो बोर्ड मैंने कवर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए. और कल जिस टेम्पल में हम लोग गए थे वो टेम्पल है यहाँ पर सामने, देख सकते हो ये देखो, ये वाला जो टेम्पल है सामने, या इस वाले टेम्पल पे हम लोग कल गए थे और वहाँ से भी मैंने आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाया था और यहाँ से भी मैंने आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाया है अभी. तो बस चलो अभी निकलना है यहाँ से भी. तो और अभी यहाँ से निकलने से पहले और बाजू में एक टेम्पल है, वो कौन सा टेम्पल है एग्जैक्ट अभी तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा, बट आगे चल के पापा को पूछ के मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा. वो अलग पहाड़ पे, वो वाला टेम्पल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ये अलग पहाड़ पे, और वो वाला और एक अलग पहाड़ पे, कल वाला भी अलग पहाड़ पे था, सब अलग अलग पहाड़ पे है. तो वहाँ पर भी जाने का प्लान है हम लोगों का, अगर पॉसिबल है तो वहाँ पर भी जाएंगे. अगर ज़्यादा चढ़ने का वगैरह होगा तो मम्मी से नहीं पॉसिबल होगा, नानी मम्मी से, पापा तो चढ़ जाएंगे एक टाइम, बट मम्मी और नानी से नहीं होगा पॉसिबल. तो लेट्स सी क्या होता है, अगर पॉसिबल है तो जाते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं आप लोगों को. वैसे फाइनली अभी हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं और जो दूसरा टेम्पल है जैसे मैंने आप लोगों को बोला था वो मंदिर है अनुसया मंदिर, अनुसया टेम्पल है, तो वो अलग पहाड़ पे, तो अभी वहाँ पे जाने का रास्ता भी है वहाँ पर, तो चलो जाते हैं वहाँ पर, जाना है ना, तो चलो ठीक है चलते वहाँ. तो फाइनली अभी हम लोग इस वाले टेम्पल में आ चुके हैं, यहाँ पर एंट्री पे देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर ओम का जो एंट्री गेट पे ओम बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो अभी यहाँ से हम लोगों को स्टेप्स से ऊपर जाना है, लगभग 100-150 ज़रूर होंगे क्योंकि यहाँ से दिख रहे. तो चलते अभी फटाफट और चढ़ते ऊपर. कल को हमारे साथ जो बैग था उसकी वजह से थोड़ा चढ़ने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, बट आज बैग वगैरह कुछ नहीं है तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. चलो तो यहाँ पर बहुत सारे मंकीज है, देख सकते हो इधर भी बहुत है और इसके पीछे भी थे अभी, और अभी पापा के हाथ में जो है वो फूलों का हार था, वो भी छीन के लेके गए पापा के पास में आके. मैंने बोला छोड़ दो उनको, दे दो, वो
ले लिया, ये देख सकते हो आप कि वो खा रहा है, फूल खा रहा है वो। चलो चलते ऊपर, ये देखो यहाँ पर खेल रहे दोनों छोटे छोटे। सो गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर दो तरह के स्टेप्स थे, एक मंदिर के सामने से थी और एक साइड से थी। हम लोग साइड वाले से ऊपर आए क्योंकि हम लोगों ने जिस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा था उसने बोला था कि साइड से जाओ, थोड़ा इजी रहेगा, इसके लिए हम लोग इधर से आए। और अभी उतरते समय इसी जो पुराने वाले जो मंदिर के सामने से जो स्टेप से उधर से जाएंगे। तो चलो चलते हैं, अभी ये वाला मंदिर है यहाँ पर कुछ इस तरह से। चलो शूट करना अगर पॉसिबल है तो कर दे, यहाँ पर भी वीडियो करना अलाउड नहीं है अंदर, इसके लिए मैं मोबाइल रख देता हूँ यहाँ। सो दर्शन हो गए हम लोगों का अंदर, तो चलते अभी बाहर निकलते हैं। और कुछ हमारे यहाँ के पहचान के लोग निकल गए, मम्मी पापा के, मतलब मम्मी और नानी पहचानते हैं उनको, तो वो लोग उनके साथ गप्पे लड़ा दे और फिर चलते आगे। और ये हम अभी नीचे आ चुके हैं, ये पुराने वाली स्टेप थी, यहीं से नीचे आ गए हम लोग। और ऊपर जाते वक्त वो वाले स्टेप थी, वहाँ से गए थे ऊपर और अभी यहाँ से आ गए नीचे। तो ये देखो पीछे से ओम, देखो काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। चलो बीच बीच में हम लोग फोटोज़ भी निकल रहे हैं, अगर आप लोगों को वो फोटोज़ देखने तो जाओ इंस्टाग्राम पे और फॉलो करो, वहाँ पे फोटोज़ देखो। मम्मी पापा का भी जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी फॉलो करो, उनके भी फोटोज़ आप लोग देख सकते हो। सो चलो गाइस, अभी निकलते हैं हम लोग भी। कैसे पानी बॉटल ले लिया, इतना तो अच्छा है कि 20 की बॉटल 20 में ही मिल रही है आपका। अभी पता नहीं 20 का इसके प्रिंट है या नहीं, प्रिंट तो नहीं अमाउंट, बट 20 में मिल रही बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा में बेचते, वैसा इधर नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग तो रिटर्न जाने के लिए निकल चुके, और रिटर्न में हम लोगों का प्लान है, कहाँ पर रुकने का प्लान है, शेगांव में। तो लेट से क्या होता है, अभी तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट मैंने धूल्हे का मैप लगाया है, वो मुझे वहाँ पर धूल्हे के लिए 10 घंटे बताए हुए, बट हम लोग शेगांव में रुकने वाले हैं। बट शेगांव में रुकने से पहले हम लोग कहीं पर भी खाना खाने के लिए रुकेंगे, अभी ब्रेकफास्ट तो नहीं करना है, टाइम भी चला गया है और ज़रूरत भी नहीं है किसी को। तो अभी मुझे सबसे पहले वाईफाई ढूंढना है भाई साहब, क्योंकि जो मुझे वीडियो अपलोड करना है, दो वीडियो मेरे रेडी हो चुके हैं तो उनको मुझे अपलोड कराना है। तो अभी देखते हैं कहाँ पर मुझे वाईफाई मिलता है, अगर मिलता है तो फिर फटाक से अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने तो जो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ वो वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बट वही अपलोड करने के लिए कोशिश जारी है। चलो देखते हैं अभी कहाँ पर मुझे मिलता है। It was not easy from the start. There were days when I fell apart. So guys, तो अभी हम लोग पुसद में यहाँ पर फ्यूल अप करने के लिए रुके, फ्यूल अप करते फिर आगे जाना है। खाना कहाँ पर खाना है, वाशिम। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो खाना है वो वाशिम के, मतलब वाशिम में खाना खाने के लिए रुकेंगे। तो अभी यहाँ से वाशिम जाने के लिए लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा। तो अभी तो 11 ही बजे हुए, तो मतलब इतना जल्दी भी कुछ है नहीं, तो फ्यूल अप करते फिर निकलते आगे। तो गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग वाशिम में हैं और यहाँ पर हम लोगों को एक रेस्टोरेंट, मतलब मैंने यहाँ पर, मतलब जब एंटर किया हम लोगों ने तभी मैंने गूगल कर लिया था, तो उसमें मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा था, तो मैंने सीधा उसका मैप लगा के यहाँ पर आया था। तो हम लोग आए इधर गिरिराज रेस्टोरेंट में, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। चलते अभी अंदर और देखते अभी यहाँ पर कैसा फूड क्वालिटी वगैरह मिलता है। चलो, इस तरह से होटल है, उस तरह से मुझे लगता नहीं कि बेकार होगा, तो इसके लिए मैंने देखने के बाद मुझे पसंद आया, मैंने फोटोज वगैरह देखे तो अच्छा लगा, इसके लिए मैंने ये होटल फाइनल किया। चलो सो चलो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, अभी तो बजे 1:15 हुए और खाना वगैरह अच्छे से हो गया, फूड क्वालिटी अच्छी थी। अगर आप भी ऐसे करीब गुजर रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो। होटल का नाम से बताता हूँ, गिरिराज रेस्टोरेंट करके, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, आप डेफिनेटली रुक सकते हो। हम भी निकलते हैं, जो हमने कहा है मैंने आप लोगों को फोटो में दिखा दिया, शूट कुछ किया नहीं, बट चलो अभी निकल दिया। सो गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं शेगांव में। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया रास्ते पर क्योंकि हम लोगों को जल्दी से यहाँ पे पहुँचना था, क्योंकि यहाँ पर दर्शन लेने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टे नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ से सीधा निकलने वाले घर के लिए, क्योंकि अभी तो बज चुके हैं 3:30 बजे हुए और यहाँ पे अभी दर्शन करते करते शायद से 1-2 घंटे तो कैसे भी लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आज संडे भी है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। पार्किंग में गाड़ी देख के ही मैं समझ गया कि 2 घंटों को कैसे भी करके लगने वाले। तो अभी
पार्क कर दिया है मैंने गाड़ी, तो चलो अभी जाते हैं। और अगर शूट करना पॉसिबल है तो थोड़ा बहुत शूट करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, बट मेरे हिसाब से तो शूट नहीं करने देंगे, बट फिर भी अगर जितना पॉसिबल होता है इतना आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा। चलो चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एंट्री है, तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं VIP लेन की तरफ से। चलो चलते हैं अंदर। सो गाइस, तो अभी फाइनली हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर जो है वो मंदिर के जो मेन मंदिर है उसके अंदर जो है वो शूट करना अलाउड नहीं है, इसके मैं शूट नहीं कर पाया, बट ये बाहर का जो इनका एरिया है यहाँ पर शूट करना अलाउड है, इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने जो स्टैंड में जो हमारे फुटवेयर रखे थे वो लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो, आज तो संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, देख सकते हो आप लोग। सो गाइस, फाइनली हम लोग सब फील्ड में से निकल चुके हैं और अभी गाड़ी की ओर जा रहे हैं। मम्मी पापा पीछे है, नानी भी उनके साथ ही है। और अभी हम लोगों का प्लान है कि पहले तो प्लान था कि फटाफट घर पे चले जाएंगे, बट अभी प्लान में कुछ बदलाव है। यहाँ से अगर वरण गाँव जहाँ पे मेरी पापा मेरी बुआ रहती तो उनके घर पर हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग 4:30 बजे हुए और आज IPL का फाइनल मैच भी है, तो उसके लिए प्लान कर रहे कि वहाँ पर जाके रुक जाएंगे और उसके बाद अच्छे से मैच भी इंजॉय कर पाएंगे और आराम भी हो जाएगा। फिर कल सुबह उठ के अपने अपने घर निकल जाएंगे। श्योर। सो गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके थे और रास्ते में एक शॉप दिखा हम लोगों को पुणे चाय करके, तो यहाँ पर ये लोग चाय लेने के लिए रुके और मैंने आइसक्रीम ले लिया है, क्योंकि मैं तो कुछ लेता नहीं यूजली, कभी कभार ले लिया तो ले लिया, चाय कॉफ़ी लेता हूँ, चाय तो लेता ही नहीं, बट मैंने अभी आइसक्रीम ले लिया है, तो इनका चाय खत्म होता है उतने में मेरा आइसक्रीम भी खत्म हो जाएगा और फिर ऐसे निकल जाएंगे। तो गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं वरण गाँव में। जैसे हम लोग शेगांव से निकले फटाफट आ गए यहाँ पर, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि शेगांव से आगे तो काफ़ी अच्छा रास्ता था, तो मतलब अंदर पहले एक अंदर वाला रास्ता था 10 किलोमीटर का, वो भी काफ़ी अच्छा था, और उसके बाद जो मेन हाईवे लगा ना भाई साहब, वो भी काफ़ी तगड़ा और अच्छे से बन चुका है। यहाँ तक तो अच्छा बना हुआ, आगे का भी पता नहीं, अभी मुझे आगे जाने के बाद पता चलेगा, बट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो हम लोग फटाक से आ गए, तो सिर्फ अभी हम लोग कल मतलब आज के लिए यहाँ पर रुकेंगे और कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे घर पे जाने के लिए दूल्हे के लिए। बट अभी इस वाले ब्लॉग का तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला वीडियो भी अच्छा लगे तक देख लें, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन। अगर चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब भी करा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।